शिवपुर दियार सोमाली में जांच कमेटी पहुंची। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में दुबहड़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा शिवपुर दियार सोमाली में प्रधान के कार्यों की जांच करने पहुंचे अधिकारीगण। जांच अधिकारी शिवपुर दियार सोमाली में 1 बजे आए, कुछ बिंदुओं पर जांच करके 2:30 बजे निकल गए। जांच कमेटी से मीडिया ने सवाल किए तो जनाब ने जवाब देने से इनकार कर दिया। प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और अधिकारीगण आए थे, जांच किए हैं, जांच में निकल जाएगा कि सही हूं या गलत हूं। शिकायतकर्ता ने बताया कि जांच कमेटी ने जांच सही तरीके से नहीं की है। नंद जी यादवपुर प्रधान है, वह यहाँ का हिस्ट्री सीटर भी है। उसके दरवाजे पर पूर्व प्रधान था, पंचायत भवन और रन बसेरा उसके कब्जे में है। सीडीओ साहब से कल हम जाकर मिलेंगे, तो पंचायत भवन और रन बसेरा कई बार दरखास्त दी, अभी तक खाली नहीं हुआ, उस कब्जे से मुक्त कराया जाए। जी अभी आप बता रहे हैं पूर्व प्रधान के द्वारा कब्जा किया गया हुआ है। जी तो अभी तक आपने दरखास्त दिया? कई बार दिए, कोई कार्रवाई? अब कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जी कितने सालों से दे रहे हैं? 5 सालों से दे रहे हैं। जी मैंने 5 सालों से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। किन किन उचित अधिकारियों को आपने दिया है? हम तो दिया DM साहब के, जिला अधिकारी साहब को दिया। तो क्या क्या आश्वासन मिलता है वहाँ से? खाली कराया जाएगा, आदेश आता है फिर यहाँ कुछ नहीं होता। उनका ये कहने का तात्पर्य है अगर अधिकारी और प्रधान की मिली भगत है, हाँ इसीलिए जाँच में आनाकानी कर रहे थे। 3 साल हुए, 3 साल से आनाकानी कर रहे थे तो अधिकारी यहाँ आकर जाँच किया। हाँ 5 साल पर अधिकारी जांच किया तो काम पाया गया। इस जो जांच हुई है, जो अधिकारी जांच चले गए, उनका कहना कुछ बिंदुओं पर जांच हुई, कुछ बिंदुओं पर जांच बाकी है। जी वो सभी काम देख लिए। जी सभी काम देख लिए, वही लोग घुमाए, शिकायतकर्ता लेकर के अधिकारी को घुमाए। जहां नापा गया था रोड पूरा नापना था, वहाँ छोड़ छोड़ कर नपवा रहे थे। तो गांव वाले बोले कि भाई छोड़ के क्यों ना पवा रहे हो, तो कहे कि तारा का मतलब भाई प्रधान जी का, हमने का मतलब बा। हमारा परिचय है शिवपुर और शिमाली ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ, अनिल यादव मेरा नाम है। जी हम ये जानना चाहते हैं, अभी आपके ग्राम सभा में जांच आई थी, क्या मामला था? हमारे गांव के जो जो नए लड़ने वाले प्रत्याशी हैं प्रधान पद के उम्मीदवार, उनका दिमाग में है कि हम प्रधान जी का जांच करा देंगे तो हम प्रधान बन जाएंगे। अच्छा उनका ये कहना है जी 5 सालों में विकास के नाम पर कुछ न किए, सब जीरो। ये तो अधिकारी आए थे जांच करने वाले, हाँ वो लोग लेकर घूम रहे थे, तो गांव की जनता खुद बता दिया कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जी जी आज 5 साल हो चुके हैं, आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जी जी इन 5 सालों में अभी तक जांच टीम नहीं आई थी और आज जांच टीम आई हुई है, क्या कारण है कि इन इतने सालों के बाद जांच टीम आई है? यहाँ के लोग जितने लोग लड़ने वाले हैं प्रत्याशी, वो सभी मिलकर दरखास्त दिए थे कि प्रधान जी काम नहीं कराए। जी तो अधिकारी आया यहाँ तो जाँच किया, यहाँ जो अधिकारी आया जांच किया, मौके पर देखा जा कर के काम हुआ है कि नहीं हुआ है। एक तरह का उनका ये भी आरोप लग रहा है, जब जांच कमेटी आई थी तो उस पर क्या कोई नहीं था, प्रधान जी की तरफ से कोई नहीं था? जी ग्राम सभा का सचिव होता है वहाँ मौजूद था, मोनू सिंह सेक्रेटरी, वो जितना काम हुआ है सभी काम दिखाए हैं जाके सचिव साहब। आपके ग्राम सभा में विकास के विकास कार्यों को लेकर के किस प्रकार का विकास किया? तो कुछ किया ही नहीं गया जी, विकास के नाम पर घोर अनियमितता किया के लिए, लेकिन अधिकारी के जाने से आनाकानी ही चला। आज किन किन अधिकारियों को फरियाद किए थे? हम फरियाद किए थे DM के यहाँ, CDO साहब के यहाँ, DPRO से भी मिले, तो बात चारते गए कि हम जांच कराएंगे, जांच कराएंगे। जब हम चुनाव नज़दीक आ गया लगे तो जाँचों उपरांत जो अधिकारी कर्मचारी आपके सामने ही
अपना परिचय भी नहीं दे रहे हैं कि हम यही हैं जेई हैं, किस विवरण पर किस मुद्दा पर हम क्या बात उठा रहे हैं। दो चार जाँच किए तो भी भगते चले गए, किसी प्रकार का कोई निवारण नहीं दिए, तो हम लोग तो संतुष्ट नहीं हैं। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति हम लोग आगे चलेंगे जी, न्यायालय में भी शरण ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कब से अधिकारियों से निवेदन करना और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, कार्यकाल प्रधान खत्म हो गई है, अभी तक कहाँ आप थे? हम लोग 2018 से अपने ग्राम सभा के जांच के लिए हमारे चाचा जी दिए थे, अभी तक जांच नहीं होती। हम लोग प्रतिदिन ये जांच के लिए दौड़ते हैं, कोर्ट कचहरी हर जगह, जहां हम लोग का ये होता था कि यहां एक प्रति दे दे कि हम लोग का गांव का रिकवरी हो जाए, जांच हो जाए सही ढंग से, हम लोग सही ढंग से हमारे गांव के जिस दिन जाँच हो जाएगा हम लोग उसी दिन खुश हो जाएंगे। जी जी, तो क्या मानते हैं किन किन मुद्दों पर घोटाला यहाँ हुआ है? इस पे हमारे ग्राम सभा में जितने भी कार्य होता है, जैसे कि रास्ता, मोरी, आवास, किंसिन, और जितना भी कार्य है शौचालय से लेकर, और जो भी जितना प्रधान निधि द्वारा आता है, एक भी काम नहीं हुआ है 5 वर्ष में, कोई काम नहीं हुआ। मेरा नाम हरेंद्र कुमार यादव है। जी जी, कहाँ कराने वाले हैं? शिमाली परानपुर। जी जी, अभी जांच कमेटी आई थी, क्या क्या मामला था यहाँ का? मामला यही है कि हमारे ग्राम प्रधान द्वारा हमारे गांव का घोटाला हुआ है, जो कि 5 वर्ष से प्रधान बने हैं, अभी तक तो कोई कार्य नहीं किए हैं। किन मामले पर घोटाला किया गया, क्या है? हमारे यही मामला है कि गाँव का मोरी, रास्ता, हेडपम्प, जो भी जितना कार्य होता है प्रधान निधि द्वारा, आवास ले ले, जो भी हो, पेंशन, जो भी हमारे गांव का जितना समस्या है, सब आज तक कभी कुछ भी